अस्सलाम वालेकुम, आज आपको मैं बताऊंगा नोकिया 6300 पावर बटन वेज, नोकिया 6300 TA 1287। इसके पावर बटन के पॉइंट जो हैं वो अगर मिस हो जाएं तो उसको आप कैसे रिपेयर करेंगे, और इनके कौन कौन से पॉइंट हैं जो इसके पावर स्विच में काम करते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा, मुकम्मल गाइड करूंगा कि आपका इसका पॉजिटिव पॉइंट मिस हो जाए तो उसका जंपर आपने कहाँ लगाना है, और अगर इसके नेगेटिव पॉइंट मिस हो जाए तो उसको आपने कहाँ पे जंपर करने हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखें, ये मेरे पास मोबाइल ऑन कंडीशन में है और इसका पावर बटन वर्क कर रहा है। तो अभी आपको मैं इसको ओपन करके चेक करवाता हूँ इसके पावर बटन के कौन कौन से पॉइंट जो होते हैं इसके स्विचिंग में काम करते हैं और इसको कैसे रिपेयर करेंगे। इसके मैंने स्क्रू जो हैं वो पहले से रिमूव कर लिए हैं, इसके स्क्रू मैंने वो रिमूव कर लिए हुए हैं। तो अब इसका जो है बोर्ड निकालेंगे, बोर्ड निकाल के आपको दिखाएंगे इसका कौन सा पॉइंट जो होता है पॉजिटिव है और उसको किस रेजिस्टेंस पे या किस पॉइंट पे हमने जंपर करना है अगर हमारा वो पॉइंट मिस हो जाए तो। तो सबसे पहले इसका जो है बोर्ड हमने निकालना है, तो बोर्ड निकालने की कोशिश करते हैं। ये इसकी मिड केसिंग जो है वो हम पहले रिमूव करेंगे, तो ये केसिंग हम अभी रिमूव कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमने इसकी केसिंग जो है वो रिमूव कर ली है। अब इसका जो है सर्किट वो आपको दिखाते हैं जूम करके। ये देखें, ये इसका आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो अभी आपको दिखाते हैं इसके पॉइंट जो हैं वो भी आपको वाजे नज़र आ जाएं तो फिर ही आपको पता चलेगा कि इसके, ये देखें, इसके बैक साइड पे तीन पॉइंट हैं, ये दो बाहर वाली साइड वाले, ये दोनों नेगेटिव हैं ये दोनों, और दरमियान वाला जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसका पॉजिटिव पॉइंट है। इसका जो बाहर वाले हैं डैमेज हो जाए ये दोनों, तो इसको तो आप ग्राउंड पे कहीं भी आप जंपर लगा सकते हैं या ग्राउंड के साथ अटैच कर सकते हैं, जबकि ये वाला दरमियान वाला जो पॉइंट है इसको हमने कहाँ पे लगाना है। तो ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसके साथ ही एक रेजिस्टेंस है, तो इसका जो है इसकी वैल्यू इस रेजिस्टेंस पे आती है। इस रेजिस्टेंस के बाद इसके आगे इसने ऊपर जो पावर बटन के साथ पॉइंट जो है उसके बाद इसकी वैल्यू पहले रेजिस्टेंस पे आएगी, रेजिस्टेंस के बाद इस पॉइंट तक आएगी। ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, इस रेजिस्टेंस के बाद इस पॉइंट तक आएगी। अगर आपकी रेजिस्टेंस भी डैमेज हो जाती है तो यहाँ से आपने जंपर जो है वो लगा के, जो साथ आपको पॉइंट दिखाया मैंने जो बड़ा पॉइंट नज़र आ रहा है उस पॉइंट पर हमने इसका जंपर करना है, दरमियान वाला पॉइंट। तो अभी मैं आपको इसको स्क्रीन पे क्लियर दिखा देता हूँ जिसमें आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि इसका जंपर हमने कहाँ पे लगाना है। तो ये देखें, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये देखें इसका पॉइंट, ये वाला प्लस पॉइंट जो है हमने इस पॉइंट तक लगाना है। ये देखें, ये आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। अगर ये इसका दरमियान वाला पॉइंट डैमेज हो जाएगा तो इसका जंपर हमने बटन का जंपर इस पॉइंट तक करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि अगर आपका पावर बटन डैमेज हो जाए, उसके पॉइंट डैमेज हो जाए, उसके जो है लिंक वो बिल्कुल ब्रेक हो जाए, तो आपने उसका कनेक्शन कैसे बहाल करना है, उसके दोनों वायर वाले जो पॉइंट हैं वो अगर मिस हो जाएं तो उनको आप कहीं भी ग्राउंड के साथ अटैच कर सकते हैं, और अगर दरमियान वाला पॉइंट है ये आपका मिस हो जाए तो आपने इसका जंपर इस पॉइंट पे करना है जो मैंने आपको अभी दिखा दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको इसके एयर पीस के पॉइंट बताऊँगा कि इसके एयर पीस के पॉइंट अगर डैमेज हो जाएँ तो आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं।